देर रात आई आंधी तूफान के कारण यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सिटी के मुताबिक इनमें से तीन गाड़ियों को टोटल लॉस हो सकता है। जानकारी के मुताबिक देर रात बारिश और आंधी तूफान के कारण नाहन मॉल रोड स्थित यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से तीन गाड़ियों को अधिक नुकसान पहुंचा है। सिटी के मुताबिक इन तीनों गाड़ियों को टोटल लॉस होने की संभावना जताई जा रही है। पेड़ के टूटने से गाड़ियों के साथ लगते भवन को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान यहां कोई भी मौजूद नहीं था और इस घटना से किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देर रात आई आंधी तूफान के कारण यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सिटी के मुताबिक इनमें से तीन गाड़ियों को टोटल लॉस हो सकता है। जानकारी के मुताबिक देर रात बारिश और आंधी तूफान के कारण नाहन मॉल रोड स्थित यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से तीन गाड़ियों को अधिक नुकसान पहुंचा है। सिटी के मुताबिक इन तीनों गाड़ियों को टोटल लॉस होने की संभावना जताई जा रही है। पेड़ के टूटने से गाड़ियों के साथ लगते भवन को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान यहां कोई भी मौजूद नहीं था और इस घटना से किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देर रात आई आंधी तूफान के कारण यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सिटी के मुताबिक इनमें से तीन गाड़ियों को टोटल लॉस हो सकता है। जानकारी के मुताबिक देर रात बारिश और आंधी तूफान के कारण नाहन मॉल रोड स्थित यशवंत चौक के समीप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से तीन गाड़ियों को अधिक नुकसान पहुंचा है। सिटी के मुताबिक इन तीनों गाड़ियों को टोटल लॉस होने की संभावना जताई जा रही है। पेड़ के टूटने से गाड़ियों के साथ लगते भवन को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान यहां कोई भी मौजूद नहीं था और इस घटना से किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।